नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम जेएनएम भर्ती 2018। हाईकोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या आदेश जारी किया है दोस्तों। तो उस आदेश में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ जानकारी है नियुक्ति को लेकर के, पूरी अपडेट इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट ने महिला अभ्यर्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखने के दिए आदेश। तो दोस्तों, मैं पहली बार आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए, जो भी अभ्यर्थी फाइनल प्रोविजनल तमाम तरीके की लिस्टों में शामिल थे, लेकिन जो 5 अक्टूबर की नाइट को जो लिस्ट जारी हुआ था पीओपी 3674 में से, आप जामिया को हटा दीजिए, उसके अलावा जो अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट में थे उनमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पदस्थापन यानी कि पोस्टिंग नहीं मिली, और ये वही महिला अभ्यर्थी हैं जो इस चीज़ को लेकर के 5 अक्टूबर को इन्होंने वेट किया, अपने लिस्ट में नाम चेक किया, जब नहीं मिला तो पहुंच गई हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने मेडिकल विभाग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। एएनएम की ये महिला अभ्यर्थी हैं, एएनएम भर्ती 2018 सीधी भर्ती परसेंटेज बेस पर उसका ये मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में देखिए, यहाँ पर सीकर से बड़ी खबर है, सफल एक अभ्यर्थी को विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव अतिरिक्त निदेशक जयपुर को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। अभ्यर्थी के संबंध में एक पद रिक्त रखे जाने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार ये देखिए, महिला अभ्यर्थी ढांडन निवासी सुमन पुत्री गोपाल राम ने हाई कोर्ट में एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट पिटीशन दायर किया। बताया कि अभ्यर्थी ने एएनएम भर्ती 2018 में आवेदन किया था, उसके बाद मेडिकल विभाग ने दस्तावेज सत्यापन किया। 14 दिसंबर 2019 को जो प्रोविजनल एएनएम का लिस्ट जारी हुआ था उसमें भी इनका नाम था। उसके बाद दोस्तों, जो 18 जनवरी 2020 को जो लिस्ट आई थी फाइनल लिस्ट एएनएम, उनमें भी इनका नाम था। लेकिन दोस्तों, बहस के दौरान एडवोकेट संजय मलन दलील दी कि विभाग के अंतिम चयन सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को 5 अक्टूबर को जो नियुक्ति प्रदान कर दी, लेकिन विभाग ने प्रार्थियों को नियुक्ति नहीं दी। मामले की सुनवाई कर रहे जो जज साहब हैं संजीव प्रकाश शर्मा ने मेडिकल विभाग के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त निदेशक को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगते हुए प्रार्थियों के संबंध में एएनएम का एक पद सुरक्षित रखे जाने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर पूरा मामला ये है कि महिला अभ्यर्थी थी, 18 में भर्ती में आवेदन किया, वेरिफिकेशन करवाया, प्रोविजनल फाइनल दोनों लिस्ट में नाम था, लेकिन जब फाइनल पद स्थापन आया 5 अक्टूबर को जो ज्वाइनिंग आदेश आए उसमें इनका नाम नहीं था, और इसी को लेकर ये पहुंची कि भाई मेरे को किस वजह से बाहर किया गया है। तो इस पर कोर्ट ने ये कहा है कि भाई चिकित्सा विभाग को कि 6 सप्ताह में आप हमें सूचना दे कि किस वजह से बाहर किया गया, क्यों पोस्टिंग नहीं दी गई, साथ ही इनका एक पद रिक्त रखने के कि एक इनका पद खाली छोड़ दिया जाए, उसे भरा नहीं जाए, ताकि अगर चिकित्सा विभाग की गलती से इनको नियुक्ति नहीं मिली तो इनको नियुक्ति मिल सके। तो ये आदेश है दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 5 अक्टूबर की जो पद स्थापन सूची थी उसमें नाम पाने में असफल रहे, उनके लिए आदेश है ये एएनएम भर्ती 2018 पर्टिकुलर व्यक्तिगत महिला अभ्यर्थी के हक में हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।